बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने गेट के लिए रास्ता छोड़ दिया है। फिलहाल जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा तो हम गेट भी लगा लेंगे, फिर यहाँ पर सामान वगैरह का मसला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑफिस भी मुकम्मल हो चुका है। चलो मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ आपको। जी तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिस है। और ये हमारे हमसाइयों की जगह है जो गिर गई थी। ये हमारे पास ऑफिस का दरवाज़ा है।
जी तो आज से इन लोगों ने पिलर्स पर काम शुरू कर दिया है, जहां पर पोल्ट्री फार्म होगा उसके लिए पिलर बना रहे हैं। जी तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं इन्होंने तकरीबन 4 फुट पिलर मुकम्मल कर लिए हैं। चले मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ईंटे हैं, बाकी जो पिलर है हम इससे कंप्लीट करेंगे। तो चले मैं आपको पिलर को नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 11-11 फुट के फासले पर बनाए गए हैं। बाकी ये हमारे पास ब्लॉक भी बच गए हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। जी तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पिलर तकरीबन नीचे ज़मीन से 8 फुट मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पिलर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ये दूसरा वाला भी मुकम्मल हो चुका है और बाकी पिलर पर अभी काम करेंगे। ये तो अभी हमारे पास मजीद ईंटें भी आ चुकी हैं।
جی تو اب ٹرالی خالی ہو چکی ہے، اس میں 1000 اینٹیں تھیں۔ جی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے پلر مکمل ہو چکے ہیں، اور اب اس کے سائٹ کے جو دیوار ہے اس کو ہم تھوڑا اونچا کر دیں گے، مطلب اس پلرز کے لیول کے مطابق کر دیں گے۔ جی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آفس کے لیے بانس اور گارڈر بھی لے آئے ہیں۔ اس کے چھت میں ہم بانس اور گارڈر ہی لگائیں گے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھرے ہوئے بانس ہیں۔ جی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو گارڈر اور بانس لیے تھے ہم نے اس کو اپنے آفس کے چھت پر لگا لیے ہیں، اور اس کے اوپر چک بھی لگا لی ہے، اور کل انشاءاللہ اس کے اوپر پلاسٹک اور مٹی بھی ڈال دیں گے۔ جی تو ویورز، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ایک نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔